फिर से छोटू भारती जैसा कांड हो गया जिसमें लड़का को इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है। देखिए लड़का क्लास इसी में है और लड़का को अभी पटना के डॉक्टर ने कहा कि लड़का मर चुका है और लड़का को यहां के परिजन जो है लड़की के घर जो है लाते हैं और कहते हैं यहीं पर लाश को रखेंगे और इंसाफ मांगेंगे। देखिए ये लड़की का घर है और यहीं पर रक्षा बंधन के दिन जब लड़का आता है तो इतना पीटा जाता है कि लड़का सिर्फ नाम मात्र जिंदा रहता है। लड़के का नाम राजीव था और लड़की का नाम अंचल था। अंचल के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे क्या? अरे शांत रहिए, काम कर दिए पहले सवाल करना हमारा काम कर दिए मेरे भाई। कौन नहीं काम कर रहा है, पहले ये काम कर किसी को मौत देने का सजा किसी के हाथ में है नहीं है। कितने वर्ष का होगा? 16 वर्ष, मात्र 16 वर्ष का। 16 वर्ष समझिए कि वो मासूम रहा होगा, मात्र 16 वर्ष का लड़का है, उसका मूंछ आने वाला होगा और मूंछ भी नहीं है। अभी देख लीजिए ना, पोस्टमार्टम करके है, देख लीजिए। हमको इंसाफ चाहिए जी, देख लो अभी सब मार मार के पूरा ये ठोकचा कर दिया, डीआर निकाल दिया, पैर पूरा तोड़ के छाती पूरा तोड़ कर दिया है। रक्षा बंधन के दिन अपने बहन के यहाँ गई थी? हाँ वही गया था, आते टाइम हुआ कि जाते टाइम हम तो नहीं देखे, मोबाइल इसका स्विच ऑफ हो गया था रात में। हमको सुबह मैसेज आया, सुबह हम फोन किए तो ये उठाया लेडीज यहाँ का, वो जो घर सामने है ना इसी घर से हम ले गए थे। अच्छा यहीं पे आप लोग आए थे सुबह में? आए थे हम अकेले, पहले आए उसके बाद मेरा भाई एक और है वो ले आया, मोटरसाइकिल में बैठा है, ग्रामी भी था। कैसे मिला सूचना? फोन किया था हम ही, फोन किया ये फोन उसका सिम लगा के ये घर वाली को लेकर स्विच ऑफ खोला, मैसेज गया तो हम फोन खर्चिंग किए कि हम तो रात से ढूंढ रहे हैं उसको। अच्छा जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ फोन कर दिया? हाँ। जी कितने घंटे अंतर में, मैंने कितने घंटा के अंतर में आपको खबर आई? ये 12 घंटा के बाद खबर आया। इस तरह के मामला में इतना देर लगेगा तो क्या होगा? रोज हो गया पोस्टमार्टम में थे, मेरे पास कहने आए जगह मारपीट किया है, इस तरह का मामला हुआ तो वो पहले आप लोग अंदर जाइएगा, आप लोग अंदर पहले काम करना, हम बोले पहले वो काम खाली आने लगे, खाली कीजिए पहले, खाली कीजिए। एक सेकंड मेरा भी बात सुनिए, ये लोग बोल रहे हैं प्रशासन दलाल है, पत्रकार दलाल है, सुनिए ना, सब कोई कहता है बाकी ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी नौकरी कर बयान से उसके ये सब कुछ साक्ष क्लियर हो, हम लोग साक्ष सुनिए सब यहाँ बोल के साक्ष खत्म करने रहता तो आज चीज सब था, कानून इसी के लिए ना है। अब सर क्या होगा, इन्हें लेकर के थाना जाया जाएगा? अभी कुछ नहीं हम लोग बताएंगे, अभी बता भी नहीं रहे, अभी कार्रवाई करेंगे। बस वही चीज हम बयान उनका जानना चाहते, बस उम्र बता दें वो और क्या घटना हुई थी वो बता दें, बस ये दो चीजों के अलावा। चलिए देखिए महिला पुलिस यहाँ पर सामने आई है और बच्ची को और लोगों को यहाँ से लेकर के जा रही हैं। सामने आप देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा है, और प्रशासन नहीं आएगा जब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, किसी भी कीमत में नहीं। प्रशासन अरेस्ट होना चाहिए, इसमें जितने भी लोग हैं सभी लोग अभियुक्त है, पीजी प्लानिंग के तहत 120 भी इन पे लगे और इस पे फांसी होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। फांसी होना चाहिए 100% फांसी होना चाहिए, क्या मांग है आप लोगों का कि फांसी होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, बिना फांसी का हम लोग यहाँ से लाश हिलाएंगे नहीं। समाज के अंदर ये आरोप लगा हुआ है जो हमारे समाज के अंदर में घृणित काम करते जा रहे हैं ये लोग, ये चीज नहीं होना चाहिए हमारे समाज के अंदर में, ये एकदम सरासरी बेबुनियाद चीज है जो किसी को बुला के पीडी प्लानिंग उसको मार दिया जाए घर के अंदर में। तो पहले से प्लान था, पीडी प्लानिंग है, एक साइड में घर है, कोई अड़ोस पड़ोस नहीं, कुछ बोलना चाहते नहीं, नहीं है कोई चाचा मर गया, नाम चार गो लड़का मिल के मामले लड़का मिल के मामले जी। नाम बताओ, नाम बताइए। एगो छे प्रदीप, एगो छे श्याम जी, एगो छे मुकेश। प्रदीप, श्याम और मुकेश, जाति कौन सा है? अपना कौन समुदाय के है? चौपाल, चौपाल ही सबके जाति है। पिता के नाम क्या है? पिता के नाम नंदन चौपाल। लोगों ने देखा तीन लोगों का नाम बताया पिता के साथ,
और देखिए यहाँ पे पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन का इंतजार हो रहा है कि पुलिस प्रशासन आए उसके बाद जो है हम लोगों को इंसाफ दिलाने में वो लोग जो है एकदम जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो। लेकिन ये लोग तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं जो लोग इनमें संलिप्त है उन लोग को फांसी मिलना चाहिए, क्या यही है मांग? बेशक उसको फांसी होना ही चाहिए इस तरह से, नहीं तो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी से आकर के कोई पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाएगा और उसके बाद लड़का डायरेक्ट आएगा एक अनजान के घर में, ऐसा संभव है? ये किसी भी कीमत में ऐसा हो नहीं सकता है जब तक कि उसको प्री प्लानिंग बुलाया नहीं गया हो। इस तरह का घटना दरभंगा जिला में बहुत बड़ा घटना हो, शर्मसार हो रहा है, क्या कहें? बहुत ही शर्मसार है, इस तरह के घटना को नहीं होना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग का मांग है यही कि भाई ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए और ऐसे व्यक्ति को फांसी दिया जाए। फांसी समाज में रहने के लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर इस तरह का घटना को अगर कानून अगर सख्ती से नहीं लेगा तो उसके बाद दिन प्रतिदिन ये मामला होता चला जाएगा, दहशत कैसे होगा? दिल के अंदर में डर होना चाहिए आदमी को कि हमको कोई क्राइम नहीं करना है, बात का हल हमको बात से निकाल। अगर सपोज करिए आपका पर्सन था लड़के ने कुछ भी किसी तरह का कोई भी मामला किया, आप गार्जियन को बुलाइए, समाज के अंदर में सरपंच है उनको बुलाइए, मुखिया को बुलाइए, जिनको समाज के गणमान व्यक्ति को बुलाइए, उसके बाद उसका बैठ करके उसका निराकरण निकालिए। तो आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए, किसी भी कीमत में नहीं लेना चाहिए।